चलो चले माँ। ओप्स, ये एक एक्सीडेंट था, सॉरी। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मेरी बेटियाँ मेरी शादी बर्बाद करना चाहती हैं। क्या? नहीं। हम बहुत खुश है कि पापा और आपकी सुलह हो गई है और आप 5 साल बाद फिर से शादी कर रहे हो। मुझे जानना है कि वो कैसे दिखते हैं। पक्का बदल गए होंगी। जब वो यहाँ आएगा तो हमें पता चल जाएगा। वैसे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, उसे सेरेमनी के लिए देर हो जाएगी। मैं जाकर उन्हें बुलाऊंगी। मैं बुलाऊंगी। रुक जाओ, तुम तो हमें पैसे दोगे ही। पैसे नहीं है। तो इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाओ। अरे वो कहाँ भाग गया? वो दूर नहीं गया होगा। ग्वेन और क्रिस्टी से कभी कोई नहीं बच पाया। ओ हैंडसम लड़के, कुछ तो कमी है अभी भी। हाँ अब ठीक है, अब लड़कियां तुझमें फिदा हो जाएंगी। अबे तू शांत हो जा। क्या तू कोई चोर है जो मेरी शादी में चोरी करने आया है? अबे तू शांत हो जा, मुझे जाने दे। मैं पुलिस को कॉल करने जा रहा हूँ। अबे मुंह बंद रख साले। अब आखिर मैं यहाँ से कैसे बच के निकलूँ कि वो मुझे बाहर से देख ही ना पाए। अरे हाँ, अब तो उनका बाप भी मुझे पहचान नहीं सकता, तो चलो अब निकलते यहाँ से। बहुत खुश हो रही हूँ, और मैंने आपको इवन से पहले देखा, वो लूजर है। अबे तू कौन है छोरी? पापा, क्या आप अपनी बेटी को भूल गए? मैं हूँ टीना। अरे हाँ वही तो कह रहा था, बस भूल गया था। वैसे तुम यहाँ पर किस लिए? दोबारा शादी कर रहे। चलो जल्दी चले, वरना सेरेमनी के लिए देर हो जाएगी। टाइलर और टीना इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? टीना शायद पापा के कोर्ट से लटक रही है। बता रही हूँ कि कितना याद करती थी उनको। मैं उन्हें यहाँ खींच लाऊंगी। टाइलर, पापा। तुम छोटे कैसे हो गए? क्या तुम जानती नहीं हो, लोग एज के साथ छोटे हो जाते हैं। सही, वैसे भी ये जरूरी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, हम दोबारा शादी कर रहे हैं। अरे मैंने मिस तो नहीं किया ना? चलो बढ़िया है, चलो तुम लोग शादी के लिए तैयार हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या तुम केसी टाइलर को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? हाँ। और तुम टाइलर केसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? टाइलर डार्लिंग, क्या तुमने मुझसे शादी करने का मन बदल लिया? बिल्कुल नहीं। तो जवाब दो टाइलर, तैयार हो या नहीं? अरे यार मैं भूल गया था, फिलहाल के लिए मैं टाइलर हूँ। बिल्कुल। शानदार, अब तुम दोनों पति पत्नी हुए। चलो एक दूसरे। एक फोटो लो। ईवा चलो यहाँ। टाइलर, तुमने कहा था बस तुम नाक की सर्जरी करवाओगे, लेकिन तुमने अपना पूरा चेहरा बदल दिया। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज बढ़िया रहा, तुम हैंडसम लग रहे हो। फोटो ले लो। एक दो तीन, एक दो तीन। अरे सब बहुत बढ़िया लग रहे हैं, चलो सब लोग खुल के हंसो। मैं बहुत खुश हूँ, आप पापा के पास वापस आ गए हो। मैं भी। मेरी ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है? आप सबसे खूबसूरत दुल्हन हो। हमारी मॉम सबसे बेस्ट है। ऐसा लगता है जैसे इस झमेले से भागने का फिलहाल यही एक मौका है। और पापा सबसे खुश दूल्हे हैं, है ना पापा? हे, तुम क्या कर रहे हो? चलो जल्दी घर चले। मुझे ले चलो घोड़े, बिल्कुल बचपन की तरह। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। चलो कोई नहीं, घर पे मुझे भागने के बहुत मौके मिलेंगे। घर चलो, घर चलो। वाह क्या बात है, कि हम सच में यहाँ पर रहने वाले हैं? हाँ पापा, क्या आप भूल गए कि हमारा घर कैसा दिखता है? अजीब। लेकिन 5 साल में बहुत कुछ भूल सकते हैं। मैं तो कुछ ही मिनटों में भूल जाती हूँ कि मैंने चीजें कहाँ रखी थी। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब है। हे लड़कियों, लड़ो मत। ऐसी फिनिशिंग तो मैंने कभी नहीं देखी। तुम
किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो बस अपने घर की तारीफ कर रहा था। डैड hey, क्या आप फोन नहीं उठाएंगे? हाँ बेशक उठाऊंगा। ना मेरी जान, रिंगटोन बदली है ना इसलिए अक्सर याद नहीं रहता है। दरअसल ये वो है जो आपके पास 5 साल पहले था। हाँ हेलो, गुड डे मिस्टर टाइलर, हमारे एशियाई पार्टनर्स ने $12 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। क्या कितने मिलियन बोले तुमने? 12। बधाई हो, आपकी संपत्ति अब 858 मिलियन है। बस इतना ही, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, आपको शादी की बधाई हो। अच्छा फोन रखता हूँ। अरे वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये टाइलर इतना ज्यादा अमीर भी हो सकता है। अब से मैं यहीं पर रहूंगा मेरी प्यारी फैमिली। पापा क्या बात है? मुझे तो बस खुशी है कि हम सभी एक साथ आ गए हैं। मेरा सर फटा जा रहा है। यहाँ क्या हो गया? वहाँ चोर आया था, वो मेरे कपड़े चुरा के ले गया। उसने मुझे मार के बेहोश कर दिया। वो केसी और बाकी लड़कियों को नुकसान पहुंचा सकता है। पहले कपड़े पहन लेता हूँ। सब लोग कहाँ गए? क्या मेरी शादी खत्म हो गई या फिर ऐसा हुआ कि उस चोर ने मेरी जगह आकर शादी कर ली? नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। अरे हम पूरे मोहल्ले में दौड़ चुके हैं पर वो बेवकूफ कहीं नहीं मिला है। वो देखो, हाँ? वो कुछ जाने पहचाने कपड़े हैं। हाँ, वो वही है। हाँ तो क्या सोचा था हम तुम्हें मास्क और विक के बिना पहचान नहीं पाएंगे? तुम दोनों कौन हो? मूर्ख मत बनो, तुम जानते हो हम कौन है। तुम्हें क्या लगा था कि पोकर में माफिया से हार कर भी तुम बच जाओगे? क्या माफिया, कौन पोकर? अरे मुझे तो ताश खेलना भी नहीं आता। हमने पहले ही पता लगा लिया है, तुमने सारा पैसा उड़ा दिया है। पैसे निकालो। लेकिन मुझ पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ओह, कुछ भी बताया नहीं है क्रिस्टी, लगता है अब उससे अलग तरीके से बात करने का टाइम आ गया है। हाँ बिल्कुल, मुझे जाने दो। नहीं, अरे वाह, लोग सच कहते हैं कि किस्मत बदलने में समय नहीं लगता। कभी मैं चोर था, मैं मिलेनियर हूँ। क्या किस्मत है मेरी। हाँ ये क्या भला है भाई। अरे वाह, इतना ज्यादा पैसा। वो अब से नेक मिलेनियर है वो। पापा का बर्ताव बहुत अजीब है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। शायद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी ना करवाई हो। लेकिन क्या कोई लड़का पापा बनने का नाटक कर रहा है? मुझे चेक करना होगा। पैसों का खेल बेबी, पैसों का खेल है ये। वाह, ये पक्का पापा नहीं है। पापा की जासूसी क्यों कर रही हो? ये पापा नहीं है, ये पक्का कोई और आदमी है। तुम ये क्या बात कर रही हो? हाँ, खुद देख लो, पापा ने कभी भी ऐसा बर्ताव तो नहीं किया। देखो। वाओ, पैसा! मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। पापा, क्या मैं भी डांस कर सकती हूँ? हाँ, बेशक आ जाओ। ये। वाओ, ये बहुत अच्छा है, हम अमीर हैं। वाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये हमारे पापा नहीं है। तो तुम उनके साथ फिर क्यों डांस करने लगी? उन्होंने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। ईवा, घबराना बंद करो, मान लो कि पापा अब खुश हो गए। कांग्रेचुलेशंस, परिवार से जुड़ने के लिए बधाइयां। शुक्रिया। ईवा, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम चाहती हो तुम्हारे पापा वापस आ जाए? बिल्कुल, हमारे पापा वापस आएंगे। क्या प्रॉब्लम है उसका? उस पे ध्यान मत दो। ओ भाई साहब, क्या चश्मे है, जरा मुझे भी ट्राई करने दो। नहीं, जाओ यहाँ से हैरी। ये भाव क्यों खा रही है तू? तुमने ऐसा क्यों किया? हैरी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? जल्दी जाओ और टीना के लिए चश्मा खरीदो। भूल जाओ, जल्दी जाओ, वरना मैं जो करना है करो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम बुरे हो। हाथ लगाती है, दिमाग ठिकाने है कि नहीं तेरा?
आफ्टरनून बच्चों। एवा, तुम फर्श पर क्यों लेटी हो? हैरी ने मुझे धक्का दिया और मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। अब देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना, मैंने प्यार से मांगा था लेकिन तुमने दिया नहीं। उसे कुछ तो करो, वो हमेशा हमें परेशान करता है। शुरू मत करो लड़कियों, हैरी तो मजाक कर रहा था, है ना हैरी? आपने सही कहा मिस एरियल। मजाक? मजाक कर रहे थे? उसे सजा दो, ये स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा धमकाता है। लड़कियों रुको, तुम जानती हो हैरी के पापा बहुत अमीर और प्रभावशाली इंसान हैं। हमारे पापा भी ऐसे ही हैं। पापा लोगों को इसे सुलझाने दो, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बैठो, लेसन शुरू हो चुका है, पढ़ाई करो। अभी तुम लोग बच्चे। और पिछले हफ्ते उसने मेरे बैग को ग्लू से भर दिया था। कितना बुरा हुआ। और तुम्हारे टीचर कुछ भी नहीं करते? नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे मम्मी पापा आपस में सुलझा लें। चिंता मत करो, पापा इससे निपट लेंगे। मैं उस टीचर को भी देखूंगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बोलो, बताया क्यों नहीं? तुम्हें मुझे पहले से बताना चाहिए। 800 900। टायलर, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, लड़कियों को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? कितना पैसा चाहिए? 200 300? अच्छा ठीक है, सबको 500। तुम मजाक कर रहे हो? हैरी नाम का लड़का स्कूल में लड़कियों को धमका रहा है। बस उसे पैसा खिला दो ना कि वो ऐसा ना करे। तुम जानते हो ना हम कितने अमीर हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तुम जाकर हैरी से बात करोगे, समझे? ठीक है, क्या वो सच में इतना तंग करता है? अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूँगा। शुक्रिया पापा, आप बेस्ट हैं। अब आखिर ये गधा है कहाँ पर? उसे टिकाने लगा था। ओ, लगता यही है। तू हैरी है ना? क्या चाहिए बे? तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ मैं हूँ, काम क्या है बता। कान खोल के सुन, मैं टीना और ईवा का डैड हूँ, ठीक है? तो ये ले, आगे सोने तंग मत करियो, ठीक है? अरे इतने का तो मेरी गाड़ी रोज पेट्रोल पीती है यार। अबे गधे, तूने पैसे क्यों फेंके? अबे तुझे चाहिए तो उठा लेना। अबे तेरी तो मैं। अबे क्या कर रहे तू? तू जानता तेरे जैसे लोगों के साथ क्या होता है जहाँ से मैं आया हूँ? नहीं तो मैं अभी बताता हूँ ना। अब बस भी करो, पापा जल्दी ही आएंगे और हमें सब बताएंगे। क्या तुम बिल्कुल मुरे को दिखावा कर रही हो? मेरी इंसल्ट करना बंद करो। वो धोखेबाज चीजों को और बदतर बना देगा, तुम देखना। हैरी अब हमें और भी ज्यादा ताना मारेगा। पापा को धोखेबाज कहना बंद करो। सोच लो कि ये हमारे असली पापा है, ठीक है? उसे हमारी लाइफ बर्बाद करने दो। अब हैरी तुम पर फिर से टॉयलेट का पानी डालेगा। यू, तुमने मुझे उसकी याद क्यों दिलाई? हैरी का कॉल, हम तो अब गए। मत उठाना, मत उठाना। हेलो ईवा, टीना है क्या आसपास? हाँ। हेलो हैरी। मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए कॉल किया, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा टीना। वाह, ठीक है। बोलते रहे। और हाँ, मैं ये भी बोलना चाह रहा था कि मैं पागल हूँ और बेवकूफ भी हूँ साथ में, ठीक है? और तुम बहुत ही अच्छी, प्यारी, सुशील, सुंदर, टिकाऊ लड़की हो और तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। ठीक से बोल। और हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात तो बोलना भूल गया, मैं तुम्हारे जूतों को ना रोज साफ कर दूंगा अपने ब्रश से, ठीक है? शानदार। और तुमने कहा था पापा सब बर्बाद कर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। टीना जागो, क्या तुमने हैरी को देखा? उसे पीटा गया है और वो डरा हुआ है। ये तो बहुत ही बढ़िया है, हमारे पापा ने उसकी पिटाई कर दी। दिशुम, दिशुम, दिशुम। टीना, हमारे पापा ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, ये आदमी नकली पापा है। ओहो बंद करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिरकार हैरी सुधर गया। हाँ जरूर, अगर उसने पापा का किडनैप कर लिया और वो अंधेरे और डरावने तहखाने में हुए तो? बातें बनाना बंद करो, तुम पागल हो। मैं कहाँ हूँ? आखिरकार तुम जाग गए। तुमने मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है? तुम बहुत मूर्ख हो, तुम पर हमारा पैसा बताया है तो अब तुम पैसे कैसे दोगे? हाँ, तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है, तुम जिसको पकड़ रहे थे वो मेरे कपड़े चुरा के भाग गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम इस बकवास पर यकीन करेंगे। ग्वेन, लगता है इस मूर्ख को ये बताने का टाइम आ गया है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। खुशी से।
नहीं 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 प्लीज ऐसा मत करो। ये गरम क्यों नहीं है? बेवकूफ, तुमने प्लग ही नहीं लगाया। तुम बेवकूफ हो, यहाँ कोई सर्किट नहीं है। ठीक है, मैं एक्सटेंशन कॉर्ड लेकर आती हूँ। नहीं, नहीं, एक्सटेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हालांकि तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया। और तुम इसे कहाँ लाओगे जीनियस? मैं करोड़पति हूँ समझे। तो मैं खाली चीनर हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में करोड़पति हूँ। मेरा घर मेरे इलाके में सबसे महंगा है। हम चेक करेंगे और हम हमारे पैसे तुम्हारे घर से खुद ही ले लेंगे। मैं कितना बेवकूफ हूँ, केसी और बाकी लड़कियाँ घर पे होंगी और ये दोनों पागल लड़कियाँ उनके साथ कुछ भी कर सकती हैं। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया? ठीक है, अब मैं इस पापा को चेक करूंगी। ये क्या है? बकवास, दिलचस्प नहीं है। ओ, बिल, बढ़िया। ये क्या है? पूरी छत पर जकूजी वाला होटल। यहाँ तो और भी बहुत कुछ है। 3 प्लेन, अमूर टाइगर। हे भगवान, क्या वो बिल्कुल पागल है? वो हमारे पापा का पैसा गलत और बकवास चीजों पर खर्च कर रहा है। मुझे तुरंत मम्मी को ये बताना होगा। मेरा फेवरेट छोटा कपकेक, तुम्हें खाने के लिए मैंने पूरे सप्ताह राइटिंग की है। माँ, मेरा कपकेक। ईवा, मेरा फेवरेट कपकेक गिर गया है। और अगर तुम्हारे पास कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज नहीं है तो? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है माँ, मुझ पर यकीन करो। ये लो, आप खुद पढ़ो। ये क्या है? क्या, कौन मूर्ख ऐसी बकवास पर अपना पैसा खर्च करता है? हमारे नकली पापा, मैंने कहा था वो एक धोखेबाज है। अब उसे पापा का पैसा जो मिल गया है, अब वो सब कुछ बहुत जल्द ही खर्च कर देगा। टायलर, क्या हुआ मेरी जान? ये क्या है, तुमने हमारा सारा पैसा उड़ाने का फैसला किया है? हाँ पापा, अब आप पकड़े गए हो। अब सच बताओ, कौन हो आप? हाँ डार्लिंग, क्या हुआ तुमको? वो रो रहा है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया। तुम उससे प्यार नहीं करती हो, तुम ऐसे कोई नहीं करता है। मुझ में क्या कमी रह गई थी? बताओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं खरीदा? तुम्हारे लिए प्राइवेट प्लेन लिया, होटल लिया, ये घर लिया। तो ये सब हमारे लिए है? मैं सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन ईवा की वजह से सारा सरप्राइज बिगड़ गया। क्या तुम खुश हो? तुमने अपने पापा को अपसेट कर दिया। माँ, क्या आप सचमुच उस पर यकीन करते हो? लेकिन मैं जानती हूँ कि पापा ऐसा कभी कुछ नहीं खरीदेंगे। तुम्हें खुश होना चाहिए कि पापा बदल गए हैं और हमें गिफ्ट दे रहे हैं, समझी? तुम मुझे अपने पागलपन से गुस्सा दिला रही हो। लेकिन माँ, बस तुम चुप रहो, एक सप्ताह के लिए तुम्हें सजा मिलेगी, समझी? माँ मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती है? बचाओ, कमेंट्स में लिखो कि पापा नकली हैं, ताकि माँ देख सके। तुम शांत बैठोगे? छटपटाना बंद करो। अरे तो तुम मेरी मदद कर भी क्यों रही हो? लेकिन तुम जैसे मूर्ख को भी दया की जरूरत है। देखो तो एक बार, तुम्हें एक बड़े आदमी ने पीटा। मिस्टर टायलर, उनका दिमाग ठीक नहीं है, पता है? क्या हम सही रास्ते पर हैं? मुझे कैसे पता होगा, इस शहर की सभी सड़कें क्रेजी घर स्ट्रीट है। क्या मतलब है तुम्हारा? ओहो देखो, क्रेजी घर स्ट्रीट 1, क्रेजी घर स्ट्रीट 2, क्रेजी घर स्ट्रीट 3। हद है, इस तरह उस बेवकूफ का घर हम कैसे ढूंढेंगे? ओह चलो बच्चों से पूछे। अरे बच्चों सुनो जरा। तुम चुप क्यों हो? तुम्हें बड़ों को जवाब देना चाहिए। ये पागल है क्या? जानती भी है मैं हूँ कौन? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ वही हो ना, तुम लोग जो क्रेजी घर में नए नए आए हो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? जल्दी से हमें बताओ कि सबसे अमीर घर कहाँ है। सबसे अमीर घर तो हैरी का है। और ये हैरी कौन है? अरे कोई नहीं कोई नहीं, वो मियां कंफ्यूज है अभी, मैं बताता हूँ। वैसे सबसे अमीर घर टीना और ईवा का है। वो देखो वहाँ कुत्ता सुसु कर रहा है ना, उसके अगली गली में मुड़ जाना। क्या ये इतना मुश्किल था? चलो जाओ 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 जाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने मेरे दोस्तों का घर क्यों बताया? वो लोग पक्के लुटेरे हैं। अरे तो और क्या करता मैं, अपना एड्रेस बता देता क्या? कोई बेवकूफ ही होगा जो अपना ही घर लुटवाना चाहता होगा। सच में तुम बहुत बुरे हो।
वैसे जो तुम ये कर रही थी वो और कर दोगी? मुझसे उम्मीद मत रखना, भाव में जाओ। मैं खुद ही कर लूंगा, बस थोड़ा पैसा और रख लूं ताकि वो मुझे पिछवाड़े पे लात देके ही भगाएं तो मैं एक अमीर चोर बन जाऊं। टीना आखिर क्या हो गया? वो हैरी तुम्हें फिर से तंग तो नहीं कर रहा ना? नहीं, ये सब ईवा की गलती है। ओह अच्छा, ऐसी बात है, लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। तुम उसे अपनी चीजें शेयर क्यों नहीं करती होती ना? हमें डिज्नी प्रिंसेस की ड्रेस पहनकर फोटो लेनी थी, लेकिन वो ईवा। मेरे बारे में शिकायत कर रही है, मुझे पता था। लेकिन तुमने राजकुमारियों की तरह सजने का वादा किया था। ये बच्चों का खेल है, मैं हार्ले क्वीन बनूंगी। पापा बोलो से कुछ। मैं राजकुमारी की ड्रेस कभी भी नहीं पहनूंगी। पापा प्लीज कुछ करो। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छी। मम्मा नहीं, इतनी जल्दी नहीं, पापा ने दूसरी राजकुमारी लाने का वादा किया है। मैं इस घटिया विलन के साथ फोटो बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ। तुम एक पागल राजकुमारी हो, स्लीपिंग ब्यूटी बेवकूफ। लड़कियों बस करो, अब तुम कॉस्ट्यूम बर्बाद कर दोगी। रुको, तुम्हारे पापा कहाँ है? टाइलर। और ये आ गई राजकुमारी एरियल। ये क्या बकवास है? पापा आप उसकी बात मत सुनो, आप बेस्ट हो। क्या हम अब फोटो ले सकते हैं? हाँ। टाइलर तुम बेस्ट पापा हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप मानती हो ना सरप्राइज देना आता है मेरे को? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। कॉकटेल पार्टी। कितना बढ़िया है, हम इतने लंबे टाइम से परिवार की तरह नहीं रहे। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये सचमुच बहुत अच्छी शाम है, शायद मेरा ये सब सोचना बहुत गलत था और पापा सच में असली हैं। आहा, ये तो ऑफिस है क्रिस्टी। अच्छा तो ये एक ऑफिस ही तो है, फिर क्या? सभी अमीर लोग अपने ऑफिस में पैसा रखते हैं। समझ गई, अब तो इसे ढूंढ के ही निकालेंगे। ये लगता है इसी में है। खोलो इसे। पैसा। तो साथी ने झूठ नहीं बोला था? लेकिन मुझे लगता है उसने बोला। फोटो में दिख रहा लड़का बिल्कुल अलग है। इस बात की किसे परवाह, हमें तो हमारा पैसा मिल गया। रुको, चलो माँ और बेटी को किडनैप कर लेते हैं और उसके पापा से फिरौती मांगते हैं। जीनियस आइडिया, तो चलो चलते हैं। मुझे ये पारिवारिक शामें बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी। वैसे पापा कहाँ है? जलपरी मेकअप धो रही है। वैसे मैं माफी मांगना चाहती हूँ, पापा पर शक करना काफी गलत था, वो असली हैं, हमारे प्यारे पापा। इवा बिल्कुल, हमने तुम्हें माफ कर दिया। जरूरी यह है कि तुम समझ गई। जल्दी पुलिस, पुलिस बुलाओ, कुछ हो जाओ, कुछ तो करो, कुछ करो। मिया शांत हो जाओ। क्या है? दो अजीब औरत तुम्हारा घर ढूंढ रही है और वो लुटेरे जैसे दिखती है। वो क्या बात कर रही है? गुड इवनिंग। तो अब तुम लोग हमारे साथ चुपचाप चल रही हो। हद होती है, ये साला आखिर निकल क्यों नहीं रहा है? लड़के ये करती कैसे? लगता मैंने पेंट ब्रश घुमा लिया है। चिल्लाओ मत, चुपचाप हमारे साथ चलो। ये माफिया नहीं कर रहे हैं, ये माफिया है। अरे नहीं, ये माफिया यहाँ भी पहुँच गए। तुम क्या चाहते हो? साथ आओ वरना तुम्हारे लिए और भी बुरा होगा। लेकिन वो क्या है?
जलपरी की बदसूरत मूर्ति। इन अमीर लोगों का तो टेस्ट ही खराब होता है। चलो चलो जल्दी चलो, कम ऑन मूव ऑन, चलो 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 चलो। आज तो हालत ही खस्ता हो जाती। मिस्टर टायलर, उन्होंने आपके परिवार को किडनैप कर लिया है। मेरे सामने तो किया। हम तो क्या करने वाले हैं? आप पुलिस को बुलाया तो सही। अगर मैंने ऐसा किया तो पुलिस मुझे ही पकड़ लेगी। अच्छा रहेगा कि मामले से दूरी रहूं और पैसा लेके रफू चक्कर हो जाऊं। मिस्टर टायलर, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा, ठीक है? तुम आखिर हो कौन? माफिया, और हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है, और अब तुम्हारे पापा तुम्हें बचाने के लिए हमें ढेर सारा पैसा देंगे। केसी और मेरी साली है। टायलर, पापा, लेकिन तुम कैसे, तुम कहाँ से? शादी के दिन किसी संकी इंसान ने मुझ पे हमला किया और मेरे कपड़े चुरा के भाग गया, फिर इन चुड़ैलों ने मुझे पकड़ लिया उसको समझ के और मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। अरे, उस आदमी ने तुम जैसे कोई नाटक करते हुए कहा कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। मैं कितनी मूर्ख थी। मैंने बोला था वो हमारे पापा नहीं है। मुबारक हो, तुम सही थी। अब हम क्या करेंगे? मैंने एक बार फिल्म में लाइफ हैक देखा था। इस तरह। शानदार। आखिर वो बेटी किसकी है? मेरी है। अब हमें आपको फ्री करना होगा। अरे, तुम्हारे हाथों की हथकड़ियाँ कहाँ गई? अरे, रुक जाओ। मेरी मदद करो। रुक जाओ। मैं कहती हूँ रुक जाओ। बेमुश्किल पागल औरत से बच पाई। मुझे पुलिस को बताना होगा जल्दी। क्या बढ़िया खाना है। अब क्या हो गया है, चैन से खा नहीं सकती मैं। हेलो, क्रेजी घर पुलिस सुन रही है। मुझे तुरंत मदद चाहिए आपकी। मेरे परिवार को माफिया ने किडनैप कर लिया और वो फिरौती मांग रहे हैं। माफिया क्रेजी घर में? हाँ, वो चाहते हैं कि मेरे नकली पापा उन्हें फिरौती दें। लेकिन वो हमारे असली पापा नहीं है, वो हमारे नकली पापा है। नकली पापा के पास माफिया का पैसा बकाया है। मैं बहुत मुश्किल से बची हूँ। क्या? अरे लड़की, ऐसी सोच के साथ तो परियों की कहानी लिखना चाहिए तुम्हें। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस बहुत हुआ, मैं लंच कर रही हूँ, तंग मत करो। अरे नहीं, अब क्या, माफिया ने सारा पैसा ले लिया और वो नकली पापा पहले ही सारे खाते पक्का साफ करके भाग गया। मुझे पता है, पापा के पास एक एमरजेंसी फंड से भरी एक तिजोरी है। ठीक है, सेफ। तिजोरी यही कही होगी। यही है। पासवर्ड क्या है? शायद कोई हिंट हो। लेकिन यहाँ डिज्नीलैंड का स्टिकर क्यों है? मुझे याद है, पासवर्ड वो तारीख है जब पापा मुझे और टीना को डिज्नीलैंड ले गए थे। हाँ, अच्छा ठीक है, मैंने सारा बोरिया बिस्तर और कीमती चीजें ले ली हैं, क्रेडिट कार्ड भी ले ली हैं। लगता है मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। आप अभी भी यही हो? ईवा, तुम माफिया से बच के कैसे निकली? मैं अपने परिवार को बचाने के लिए भाग निकली। हाँ, पैसा ला मुझे तो। नहीं, आप पहले ही हमसे बहुत कुछ ले चुके हैं। पकड़ लिया। यहाँ पर मौज करना। प्रार्थना करो कि क्रिस्टी ईवा को ढूंढ ले, वरना तुम सब। मैंने इसे ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया क्रिस्टी, अब हमें बस तुम्हारे पापा के द्वारा फिरौती चुकाने का इंतजार करना है। लेकिन हमारे पापा तो यहाँ हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? शादी की फोटो में तो कोई दूसरा लड़का था। वो एक धोखेबाज है। कितने अफसोस की बात है, कोई पैसा नहीं देगा तो हम तुमसे छुटकारा पा सकते हैं। उन्हें जाने दो, मैं पैसे लेके आ गया।
ये लो, ये तुम्हारे लिए काफी होंगे। भगवान क्रिस्टी, अब हम करोड़पति हैं। चलो जल्दी चलकर आइलैंड के टिकट बुक कर लेते हैं। इनका क्या? तो इनके लिए ये है ना। मुझे लगा था तू पैसे लेकर भाग गया होगा। मैंने भागने की कोशिश की थी लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाया। देखो मेरा कभी परिवार नहीं था, जब तुम लोग मुझे मिले तो मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत हो गया, हमें जल्दी रिहा करो। कितना अच्छा लग रहा है ये सब, सब सही सलामत है और तंदुरुस्त हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारे असली पापा हमारे साथ हैं। रुको, तो माँ और पापा अभी भी तलाकशुदा हैं? हाँ, और माँ ने किसी अनजान आदमी से शादी कर ली। ईवा, क्या ये फनी है? ठीक है तो हमें शादी फिर से करनी पड़ेगी। तो डार्लिंग, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? बिल्कुल मैं करूँगी। देख के बहुत मजा आया। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा बे? अरे तुम अकेले ही पार्टी करोगे, स्वागत नहीं करोगे हमारा? नहीं, तुम नहीं आए होते तो माफी हमें किडनैप नहीं करता। हमारे घर से निकल जा, वो रहा दरवाजा। लेकिन जाओ। ये मैं हूँ, मैं बस मजाक कर रहा था। क्या मजाक है? अरे तुम लोगों का हो गया हो तो सेरेमनी शुरू करें। हाँ। केसी, क्या तुम टाइलर को अपना पति मानती हो? हाँ। और टाइलर, क्या तुम केसी को अपनी पत्नी मानते हो? हाँ। तो अब से तुम दोनों पति और पत्नी हो, चलो एक दूसरे को किस करो। सभी को हेलो। वो बिली, बिली और बिली। असल में हम क्रिस्टी और क्वेन हैं। क्या सचमुच? तो ये क्रिस्टी और क्रिस्टी है। ये वाली क्रिस्टी है। मुझे भी लग रहा। तुम उन्हें कैसे पहचान सकती हो? कैसी मन की शक्ति। दोस्तों, क्या आपने अंतर किया कि क्रिस्टी कौन है और ग्वेन कौन है? अपना हाथ उठाओ और हमें बताओ। नहीं वैसे मैं ग्वेन। वैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम आखिरकार तक सीक्रेट बरकरार रखेंगे। गाइस, आप लोग लिख के बताओ कि आपने इनको पहचाना कि नहीं, कि कौन क्या है। मैं कंफ्यूज। ग्वेन, ग्वेन देखा, मुझे याद था। शाबाश। दोस्तों, शायद आप चाहते हैं कि हम जुड़वा लड़के हो, शायद हमारे पास पहले से ही ऐसे एक्टर्स हैं। और अगर आपने ध्यान दिया है तो हमें कमेंट्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं बस अरे यार, मैं झूठ कह रहा था। पूरा परिवार फिर से एक साथ। और माँ चली गई। तो तुमने सोचा तुम्हें मास्क के बिना हम पहचान?